अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अली रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्यारे रिजवान। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कलर्स चैनल की ड्रामा सीरियल लिस्ट एंड टाइमिंग शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों सुबह के 5 बजे की बात करें तो सुबह को 5 बजे कलर चैनल पे चलता है बालिका वधु। जी हाँ दोस्तों, सुबह को 5 बजे हमें बालिका वधु ड्रामा देखने को मिलता है। इसके बाद अगले ड्रामा की बात करें तो अगला ड्रामा है शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह को 5:30 बजे चलता है। दोस्तों बात करते हैं अगले ड्रामा की, अगला ड्रामा है इश्क में मर जा 2। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 6 बजे देखने को मिलता है। एंड इसके बाद अगला जो प्रोग्राम है वो है ओम नमः शिवाय। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 6:30 बजे देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो ड्रामा सीरियल है वो है छोटी सरदारनी। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 7:15 बजे देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगला जो ड्रामा है वो है बैरिस्टर बाबू। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 8 बजे देखने को मिलता है। इसके बाद फिर अगला जो ड्रामा चलता है वो है इश्क में मर जावां 2। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 8:30 बजे देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो ड्रामा है वो है शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो ये हमें सुबह को 9 बजे देखने को मिलता है। इसके बाद फिर छोटी सरदारनी ड्रामा चलता है और इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें सुबह को 9:45 बजे देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अगला जो ड्रामा है वो है शक्ति अस्तित्व के एहसास की। एंड इसकी टाइमिंग जो है वो है सुबह को 11 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये सुबह को 11 बजे स्टार्ट होता है। एंड दोस्तों इसके बाद 11:30 बजे की बात करें तो 11:30 बजे सिलसिला बदलते रिश्तों का ड्रामा देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसके बाद 2 बजे की बात करें तो 2 बजे हमें मधुबाला ड्रामा देखने को मिलता है। तो अगला जो ड्रामा है वो है ससुराल सिमर का। ये ड्रामा 2:45 बजे से लेके 4 बजे तक चलता है। इसके बाद अगला जो ड्रामा चलता है वो है बालिका वधु। ये 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो ड्रामा स्टार्ट होता है वो है इश्क में मर जावां 2। इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो ये हमें 6:30 बजे देखने को मिलता है। एंड इसके बाद फिर अगला जो ड्रामा चलता है वो है छोटी सरदारनी और ये शाम को 7 बजे देखने को मिलता है। दोस्तों अब आ रही आती है शक्ति अस्तित्व के साथ की। ये ड्रामा हमें शाम को 7:30 बजे देखने को मिलता है। या दोस्तों अब बात करते हैं 8 बजे की, तो 8 बजे हमें बैरिस्टर बाबू ड्रामा देखने को मिलता है। दोस्तों अगला जो ड्रामा है वो है पिंजरा खूबसूरती का। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें रात को 8:30 बजे देखने को मिलता है। 9 बजे की बात की जाए तो 9 बजे हमें शुभारंभ ड्रामा देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अगला जो ड्रामा है वो है 90 पिंकी। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें रात को 9:30 बजे देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अगला जो ड्रामा सीरियल है वो है पवित्र भाग्या। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये हमें रात को 10 बजे देखने को मिलता है। एंड इसके बाद फिर इश्क में मर जावां 2। जी हाँ दोस्तों, ये रात को 10:30 बजे देखने को मिलता है। एंड अगला जो ड्रामा है वो है सिलसिला बदलते रिश्तों का। जी हाँ दोस्तों, ये हमें रात को 11 बजे देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, ये तो थी कलर्स चैनल की मंडे से लेकर फ्राइडे तक की टाइमिंग शेड्यूल एंड लिस्ट। एंड दोस्तों सैटरडे और संडे का टाइमिंग शेड्यूल काफ़ी चेंज है एंड डिफरेंट है, तो उस पर जल्द ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मोर अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।